बादशाह की तरफ से आज सदील इमाम को 1000 दिन होने के इम्प्रिजनमेंट की तरफ से मैं आज अपना बात रखना चाहता हूँ। तो आज बात करेंगे सदील भाई की, तो आप सबको जानते ही हैं कि हाल ही में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, वो भी जेल में रहते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं कौन हूँ। और उसमें उन्होंने 3 बात कही थी, जिसमें से एक था कि देश के लोग कुछ मुझे टेररिस्ट कहते हैं, कुछ देशद्रोही कहते हैं, और कुछ ये कहते हैं कि एक पॉलिटिशियन है जो कि जल्दी से ऊपर आना चाहता है, अपना नाम बनाना चाहता है। लेकिन आज मैं यहाँ से आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि सदील ना ही कोई टेररिस्ट है, ना कोई देशद्रोही है, ना ही कोई पॉलिटिशियन है। सदील एक सोच है जो कि इस देश के उन व्यक्तियों को साथ लेके चलने की कोशिश किया है, जो कि सालों से, इवन यू गो टू द हिस्ट्री, दे आर द विक्टिम ऑफ दिस हिंदू राष्ट्र एंड हिंदुआइजेशन ऑफ दिस कंट्री। तो सदील भाई ने जो मूवमेंट शुरू किया था, जो लोगों को साथ में लेके शुरू किया था, आज उसी चीज़ को हम लोग चक्का जाम फेडरेशन के नाम से बोल रहे हैं। अभी चक्का जाम जो है, अगर देखा जाए सही माने में तो चक्का जाम है नहीं। अगर चक्का जाम होता तो फेडरेशन नहीं लगता, लेकिन ये जाम उसके ऊपर लगा है जो कि एक मेजोरिटी रूल को लाना चाहता है देश में, और माइनॉरिटी को एक सेकेंड डिविजन बनाना चाहता है। और हमारे जो माइनॉरिटी है, जो दलित हैं, जो बहुजन हैं, उनके खिलाफ जो एट्रोसिटीज और जो एक्शंस लिए जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं लेजिटिमेट किया जा रहा है। तो इस चीज़ों को लेके सदील भाई ने जो पहल शुरू किया था, वो सब चीज़ को हम साथ आज लेके चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। और ये जो जंग है, ये जंग ऐसा है कि अगर आपको हिम्मत मिल रही है कि आपके साथ 1000 लोग खड़े हैं, तो बस आप एक ही जंग जीत सकते हो, एक ही लड़ाई आप जीत सकते हो। लेकिन आपको अगर जंग जीतना है, तो अगर 1000 लोग आपको देख के हिम्मत मिल रही है, 1000 लोगों को, जैसे सदील भाई को देख के हमको आज भी जो है हिम्मत मिलता है, आज भी हम लड़ने के लिए तैयार हैं। तो इस तरीके के सोच के साथ हम अगर आगे बढ़ते हैं, तो 1000 दिन क्या, चाहे कितने भी साल हो जाए, कितने भी दिन हो जाए, लेकिन ये जो सोच है, ये जो आइडिया है, ये कभी नहीं मरेगा। और जैसे हम लोग कहते हैं कि जेल का दीवार टूटेगा और सदील भाई बाहर आएगा, ये बिल्कुल आएगा। और बादशाह की तरफ से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वी एक्सटेंड आवर सॉलिडारिटी टू ईच एंड एवरी पर्सन हु वांट्स टू लिव ए लाइफ दैट इज फुल ऑफ डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट, दैट इज व्हाट वी बाबसाई ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड, एंड एज अम्बेडकर राइट वी स्टैंड फॉर ए सोसाइटी व्हिच इज ऑन द बेसिस ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एज बाबसाई एज वेल। थैंक यू, जय भीम।